डिस्पर्सल बाय बर्ड्स। अब बर्ड्स क्या करते हैं, बर्ड्स जो है ना वो फ्रूट्स को खाते हैं, फ्रूट्स को खाते हैं साथ में सीड्स भी खा लेते हैं। तो जहां पर भी वो जाके अपनी फीसिस ड्रॉप करेंगे वहां पर प्लांट उग जाता है। सो दिस इज द वे द बर्ड्स हेल्प इन सीड डिस्पर्सल। देन डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स जो है वो प्लांट्स के आसपास घूमते हैं, तो वो प्लांट्स के ऊपर ना सीड्स, कुछ सीड्स जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं, ये ज़ैंथियम, यूरेनिया, ये देखे हैं आपने कभी, जब आप झाड़ियों में जाते हो ना तो ये आपके कपड़ों में चिपक जाते हैं, ऐसे ही ये प्लांट्स, ये जो सीड्स हैं ये एनिमल्स की फर पे चिपक जाते हैं, और फिर एनिमल्स जब दूसरे प्लेस में जाता है और वहां पर निकाल के इसको फेंक देता है या गिर जाते हैं तो वहां पर प्लांट्स जो है वो उग जाते हैं। सो इनमें क्या होते हैं, इनमें हुक्स या स्पाइन्स होते हैं, या तो कांटे होते हैं या फिर हुक्स बने हुए होते हैं जो कि फर पे चिपक जाते हैं एनिमल्स की। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट ऑफ ज़ैंथियम एंड यूरेनिया। ओके, देन एक्सप्लोजन और बर्स्टिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। जो कैस्टर प्लांट या फ्रूट ऑफ बैल्सम है ये बस्टिंग या एक्सप्लोजन से, बस्टिंग और एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट से डिस्पर्सल होता है इसका, मतलब कि ये फट जाते हैं, ये फट जाएगा और इसके सीड्स प्रेशर से इधर उधर गिर जाएंगे और वहां पर न्यू प्लांट्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि अनार जो है वो काफी टाइम तक प्लांट के ऊपर लगा रहे तो वो फट जाता है, तो उसके सीड डिस्पर्स हो जाते हैं, बर्स्ट हो जाता है। सिमिलरली कैस्टर प्लांट और फ्रूट ऑफ बैल्सम ये एक्सप्लोजन करता है, एक्सप्लोजन मतलब प्रेशर से अपने आप को फाड़ता है तो दूर तक गिरते हैं इनके सीड्स। देखो दिस इज बैल्सम, देखो ऐसा होता है फ्रूट और फिर ये एक्सप्लोड कर जाता है तो सारे सीड्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे स्कैटर हो जाते हैं और वहां पर न्यू प्लांट्स उग जाते हैं। सिमिलरली कैस्टर में भी होता है, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सप्लोजन से कौन कौन से सीड्स डिस्पर्स होते हैं। देन बेनिफिट्स क्या है सीड डिस्पर्सल के, एक तो ओवरक्राउडिंग नहीं होती है, अगर सारे ही सीड्स जो है पास में ही प्लांट के ग्रो करते रहेंगे, डिस्पर्स नहीं होएंगे दूर दूर के प्लेसेस पे, तो क्या होगा, सारे प्लांट्स वहीं पे ही पेरेंट प्लांट के पास ही बढ़ जाएंगे तो क्राउडिंग हो जाएगी, तो सीड डिस्पर्सल की वजह से क्राउडिंग नहीं होती है। कॉम्पिटिशन कम हो जाता है, ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं करना पड़ता प्लांट्स को या सीडलिंग्स को सर्वाइवल के लिए, क्योंकि उनको क्या क्या चाहिए होता है, सनलाइट, वाटर और मिनरल्स चाहिए, तो अगर एक ही प्लेस में बहुत सारे प्लांट्स हो जाएंगे तो वो सर्वाइवल के लिए उनको कंपटीशन रहेगा, जिनको जो चीज मिलेगी वो सर्वाइव करेंगे, अदरवाइज बाकी सब जो है वो डेड हो जाएंगे। एनेबल्स द प्लांट टू ग्रो इनटू न्यू हैबिटेट्स, और उसके बाद क्या होगा कि अगर सीड डिस्पर्सल हो रहा है, दूर दूर जा रहे हैं सीड्स, तो नए नए हैबिटेट्स में बेसिकली प्लांट जो है वो ग्रो कर पाएगा, तो ज्यादा चांस हो जाएगा उनका जिंदा रहने का। जर्मिनेशन ऑफ सीड, अब जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या होता है, जर्मिनेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिससे सीड जो है वो ग्रो करना शुरू करता है। आप लोगों ने क्या करना है, आपने ना ग्राम सीड्स लेने हैं, उनको पानी में भिगो देना है और फिर उनको जमीन में प्लांट करना है, तो आप क्या देखोगे कि थोड़े दिन के बाद उसके अंदर एक छोटा सा शूट निकल आता है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ सीड, जो जिससे सीड जो है वो ग्रो करना शुरू कर देता है, दैट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। अब क्या है कि ये एक प्लांट बन रहा है सीड से, सीड से प्लांट जो है वो बन रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। अब जर्मिनेशन में क्या होता है कि देखो ये प्लांट का सीड है, वेट अ मिनट मन्नत, लेट मी एक्सप्लेन, देन यू कैन आस्क योर डाउट्स, दिस इज अ सीड। अब सीड में क्या होता है कि जब सीड जर्मिनेट होना शुरू होता है तो ये स्प्लिट कर जाता है, दो में टूट जाता है, ठीक है, और उसमें एक छोटी सी टाइनी सी रूट आती है, उसको बोलते हैं रेडिकल। ठीक है, ये देखो ये रेडिकल है और एक पार्ट होता है प्लोम्यूल। ठीक है, ये जो प्लोम्यूल है ये शूट की तरह ग्रो करता है और रेडिकल जो है वो रूट की तरह ग्रो करती है, तो
तो प्लूम्यूल जो है वो शूट की तरह ग्रो करता है ऊपर की तरफ, और रेडिकल जो है वो रूट की तरह ग्रो करती है नीचे की तरफ। सीडलिंग, अब सीडिंग में क्या होता है, ये देखो बेटा, ये डायग्राम देखो, प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन। ये सीड आपने सॉइल में लगा दिया, इसके बाद क्या हुआ, एक रेडिकल निकल आया, मतलब इसकी रूट बन गई, ये देखो, ठीक है। अब जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाएगा, सीडलिंग जो है वो ग्रो करता जाएगा, तो एक प्लांट बनता चला जाएगा, एक न्यू प्लांट बन जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे प्लांट बड़ा हो जाएगा वो क्या करेगा, उसमें फ्लावर्स लग जाएंगे और वो फिर फ्रूट बन जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद, फिर उसमें सीड्स हो जाएंगे। सो ये साइकिल जो है वो चलता रहता है, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।